राजस्थान की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे में सवाल है, क्या इस उपचुनाव में कांग्रेस की इज्जत बच पाएगी? 3 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस के कई शत्रप मैदान में डटे हैं। इन सीटों पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के नाते अजय माकन की प्रतिष्ठा का सवाल भी जुड़ा है, तो वहीं अप्रत्यक्ष रूप से डॉक्टर सीपी जोशी की प्रतिष्ठा भी मेवाड़ क्षेत्र की 2 सीटों से जुड़ी है। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतना सत्ताधारी कांग्रेस के लिए इस बार किसी चुनौती से कम नहीं है। इन 3 में से 2 सीटें कांग्रेस के पास थी, जिन्हें बरकरार रखना और तीसरी सीट पर जीत हासिल करना अब कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। उपचुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए कई शत्रप मैदान में डटे हैं। सहाड़ा और राजसमंद दोनों जगह पर गुर्जर समाज के वोट अपनी ताकत रखते हैं, लिहाजा सचिन पायलट फैक्टर यहां अहम भूमिका निभा सकता है। कांग्रेस इन सीटों को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखी है। इसके लिए पार्टी ने पूरी फौज चुनावी मैदान में उतार दी है, लेकिन कांग्रेस को यदि जीत हासिल होती है तो मुख्य भूमिका में कमान संभाल रहे नेताओं के सर पर जीत का सहरा बंधेगा और यदि हार होती है तो ठीकरा भी इनके ही मत्थे फूटेगा। आइए जानते हैं 3 विधानसभा सीटों पर किसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। सहाड़ा विधानसभा सीट, इस सीट पर राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा की प्रतिष्ठा है। प्रभारी धर्मेंद्र राठौड़, हरिमोहन शर्मा, राम सिंह कसवा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। भीलवाड़ा से लोकसभा चुनाव लड़ चुके खेल मंत्री अशोक चांदना की भी यहां साख का सवाल है। विधायक रामलाल जाट और AICC सचिव धीरज गुर्जर की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। राजसमंद विधानसभा सीट, इस सीट पर चुनाव की कमान सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के हाथ में है। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की प्रतिष्ठा भी इसी सीट पर दांव पर है। संगठन प्रभारी के नाते पुष्पेंद्र भारद्वाज, आशीष परेवा और मुकेश वर्मा की प्रतिष्ठा दांव पर है। सुजानगढ़ विधानसभा सीट, इस सीट पर खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रतिष्ठा दांव पर है। प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। संगठन प्रभारी के तौर पर मंगलाराम गोदारा, डूंगर राम गेदर और नारंग वर्मा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। तो वहीं पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, विधायक नरेंद्र बुडानिया, कृष्णा पूनिया की साख का सवाल इस सीट से जुड़ा है। यानी इन 3 विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस के कई क्षेत्र मैदान में डटे हैं, लेकिन सवाल बरकरार है कि कांग्रेस की इज्जत रह पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज़।